प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेशी, लोगों को पगड़ियां उछालने और तजहीक के अलावा नैब की क्या कारकर्दगी है, उस्ताद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस डीजी नैब पर बरहम, डीजी नैब का गलती का एतराफ, मुआफी मांग ली, चीफ जस्टिस का उसातजा समेत पूरी कौम से तहरीरी मुआफी मांगने का हुक्म, अगर आप डीजी नैब के ओहदे के अहल नहीं तो आप छोड़ दें, डीजी नैब अदालत में आप दीदा हो गए, अपनी बारी आए तो आंखों में आंसू आ गए, चीफ जस्टिस का मुकालमा, सुप्रीम कोर्ट ने डीजी नैब का तहरीरी मुआफीनामा मंजूर कर दिया। एक सौ 37 रुपए का डॉलर है, महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, आपकी गवर्नमेंट के आप इस पे बात करें ना, क्लीन एंड ग्रीन तासर है कि आप एक डमी वजीर आला हैं, चुनाव अख्तियारात किसी और के पास है, कि आप डमी वजीर आला हैं तो किसके पास हैं, आप बताएं, नहीं आप बताएं किसके पास हैं, प्यार मोहब्बत से काम करना चाहते हैं तो तरीके तो सारे आते हैं, हमें भी ऐसी कोई बात नहीं, सारे तरीके आते हैं मगर प्यार मोहब्बत से चलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार का दबंग बयान, बोले कानूनी और आईनी वज़ीर आला हूँ, हटाने का तरीका भी आईन में दर्ज है, गवर्नर वज़ीर आला और सीनियर वजीर का अपना अपना किरदार है, कोई किसी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर रहा, ज़िमनी इलेक्शन में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मीडिया से आमना सामना, डॉलर महंगा हो गया, सहाफी का सवाल, ग्रीन पाकिस्तान की बात करें, वज़ीर-ए-आला का जवाब, TIG का तबादला क्यों हुआ, रिपोर्टर का सवाल, आज जिस मकसद के लिए आए हैं उस पर बात करें, यहाँ ये मामला डिस्कस ना करें, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जवाब, कहा IG के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। पंजाब में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हजूरी बाग में पौधा लगाकर ग्रीन मुहिम का इफ्तिताह किया, झाड़ू देकर क्लीन मुहिम शुरू की, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, डिप्टी कमिश्नर, कैप्टन रिटायर्ड इनवारुल हक की भी तकरीब में शिरकत। गढ़ी शाहू में घर की छत पर पुर इसरार धमाका, इलाके में खौफ हरास, घर से 3 देसी साख्ता बम भी बरामद, बम को तारों से आपस में जोड़ा गया, पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर मौजूद, धमाके की तफ्तीश में मसरूफ, फ्लैट में काम करने वाले 2 मजदूर जेरे हिरासत। PTD की टीम घर को क्लियर करेगी, हैंड ग्रेनेड नहीं फायर क्रैकर थे, शादी ब्याह की तकरीब में इस्तेमाल के लिए लाए गए थे, तफ्तीश जारी है, SP सिविल लाइंस मोहम्मद अफसल की मीडिया से गुफ्तगु। पंजाब में नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका, ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, किसी चोर और डाकू को नहीं छोड़ेंगे, हर करप्ट शख्स का एहतसाब होगा, वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगु। नैब के साथ तावुन कर रहे हैं, गिरफ्तार ना किया जाए ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली, जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेटी के कातिल को सरेआम फांसी दी जाए, ज़ैनब के वालिद के मुजरिम इमरान को सरेआम फांसी देने की अपील, हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर, जस्टिस सरदार शमीम और जस्टिस शहबाज रिज़वी पर मुश्तमिल बेंच 15 अक्टूबर को समाअत करेगा, सरेआम फांसी देने से ऐसे मुजरिमाना अफ़ाल दोबारा नहीं होंगे। सेशन कोर्ट में वकला का सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद का मामला, चीफ जस्टिस का वकला के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म करने से इनकार, इस्तीफा दे दूंगा मगर नाइंसाफी नहीं करूंगा, चीफ जस्टिस के वकला की गिरफ्तारी से मुतालिक केस में रिमार्क्स, दामसद वकला की गिरफ्तारी से मुतालिक हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा भी मुस्तरद, इदारे का बाप हूँ, गालियाँ भी खानी पड़ी तो खाऊंगा, चीफ जस्टिस साकिब निसार। चीफ जस्टिस अदालत से बाहर आ गए, बोले जिसे धरना देना है दे दे, कमरे अदालत में वकला के शेम शेम के नारे,
नारे लगाने वाले मेरी अदालत में ना आए चीफ जस्टिस, आपके खिलाफ नारे लगाने का सोच भी नहीं सकते, सदर लाहौर बार की वजाहत। सबको पैगाम है मुल्क में सिर्फ जमहूरियत होगी, आईन और कानून के अलावा कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं, इंसाफ के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, चीफ जस्टिस का आवारी होटल में आसमा जहांगीर की रासियती रेफरेंस से खिताब, कहा आसमा जहांगीर इंसानी हकूक की अलमबरदार थी। जिमनी इलेक्शन का मार्का कल होगा, लाहौर की दो कौमी और दो सूबाई असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे, 11,75,832 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, NA 131 में ख्वाजा साद रफीक और हमायूं अख्तर खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के, NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहियुद्दीन देवान के दरमियान जोड़ पड़ेगा, सूबाई हलकों में सुहेल शौकत भट्ट, यूसुफ अली, सैफुल मलूक और मंशा सिंधु मद्दे मुकाबले। पाक फौज की निगरानी में प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान की तरसील, ज़िम्नी इंतखाब का दंगल, सिक्योरिटी प्लान तैयार, 11,000 अहलकार ड्यूटी देंगे, 181 पोलिंग स्टेशन में से 193 पोलिंग स्टेशन हसास करार, पोलिंग का अमल पाक फौज की निगरानी में होगा। अमेरिका सीपैक को कामयाब होते नहीं देखना चाहता, हमने मुल्की मुफाद में फैसले करने हैं, पाकिस्तान के लिए अब किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ मिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है, गवर्नर पंजाब ने पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा लिया। पंजाब हुकूमत का लैंड रिकॉर्ड डाटा बैंक बनाने का फैसला, पंजाब भर के तमाम सरकारी महकमों से उनकी जमीनों का रिकॉर्ड तलब, महकमों के पास कितनी जमीन जेरे इस्तेमाल और कितनी अराजी खाली है तफसीलात तलब, लैंड रिकॉर्ड बैंक से आवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए जाएंगे, पंजाब बैंक। FIA और जिला इंतजामिया का जाली अदवायात बनाने वाली कंपनी अलायंस फार्मा पर छापा, करोड़ों रुपए की गैर मुमकिन ममनुआ अदवायात बरामद, चीन से जायदुल मायात अदवायात मंगवा कर कंपनी में नई पैकिंग करके सप्लाई की जाती थी। न्यू अनारकली की कजाफी स्ट्रीट में तामीराती काम के दौरान मखदूश इमारत का शेड गिर गया, 40 साल राहगीर खातून मलबे तले दबकर जां बहक, खातून की शनाख्त शमीम के नाम से हुई, पुलिस ने वाकया हादसा करार दे दिया। UHS के साइंसदानों ने बायोलॉजिकल स्किन ऐजाद कर ली, पाकिस्तान में क्लोन होने वाली बायोलॉजिकल स्किन इंतहाई सस्ती है, मेडिकल तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी का मुकम्मल एहसास है, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब हम ठीक होंगे तो मुल्क ठीक होगा, हमने मुल्क को कुछ नहीं दिया, पाकिस्तान ने हमको सब कुछ दिया है, तालीम की मदद से मुआशरे में बेहतरी ला सकते हैं, सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत में असलम इकबाल का पंजाब कॉलेज में तलबा से खिताब। महकमे माहौलियात के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, आलूदगी फैलाने वाली 6 स्टील मिल्स समेत 8 फैक्ट्रियों को सील कर दिया, 15 गाड़ियों के चालान। कब्जा माफिया डॉन मंशा बम पुलिस के लिए छलावा बन गया, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सदर पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन विंग को भी टास्क, मंशा बम के बैरून मुल्क फरार होने की कोई इतला नहीं, DIG इन्वेस्टिगेशन। मैशियत और खजाना मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुल्क और कौम के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे, ये फैसले बहुत से लोगों को मुतासिर करेंगे, जाती और इंफरादी मफाद की पॉलिसी अब नहीं चलेगी, मशीर वजीर आजम अब्दुल रजाक दाऊद का लाहौर चैम्बर से खिताब। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का एशिया कप में कौमी टीम के नाकिस कारकर्दगी का एतराफ़, कहा टीम में मौजूद कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, इमामुल हक जितना जल्दी फिट होंगे उनके लिए अच्छा है। और गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग में वर्कशॉप का इनेकाद, माहरीन ने ऑटिज्म के शिकार बच्चों के हवाले से आगाही लेक्चर्स दिए।